क्वेश्चन नंबर 9, दो वृत्तों बिंदुओं बी और सी पर प्रक्षेपित करते हैं। देखो दो वृत्त है आपका, ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, कहां पर प्रक्षेपित कर रहा है? बी और सी पर। ये उभयनिष्ठ बिंदु है बी और सी, ठीक है। आगे बी से जाने वाले दो रेखाखंड, देखो बी से जाने वाले दो रेखाखंड कौन है? ए बी डी है और पी बी क्यू है। वृत्तों को ए ए डी और पी और क्यू पर क्रमशः प्रक्षेपित करते वे खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि ए सी पी और क्यू सी डी, ए सी पी ये कोण और क्यू सी डी ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपको सिद्ध करना है, देखिए जितना क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है, फिगर जैसे गिजमी लग रहा है, उतना ही ये आसान क्वेश्चन है। देखो पहले हमको ये बताओ, ध्यान दो, ये चाप देखो, चाप एपी, एपी के द्वारा ए सी पी और ए बी पी दो कोण बन रहा है कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? यहां लिख दो पहले प्रमाण, क्या लिख देना है? एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे हम लोग ये? ए सी पी, ए सी पी बराबर ए बी पी, ए बी पी, ठीक है। क्यों हुआ भाई? तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रमेय 10.9 से 10.9 से, ठीक है, इसको समीकरण एक मानो, ठीक है। फिर बताइए, देखो ध्यान से आप, अब चाप इसको देखो, डी क्यू को डी क्यू के जरिए देखो, डी सी क्यू या क्यू सी डी और क्यू बी डी दोनों कोण बन रहे हैं, देखो तो चाप सेम चाप से, इसीलिए यहाँ लिख देंगे क्या? क्यू सी डी, क्यू सी डी बराबर क्यू बी, क्यू बी डी, ये भी क्या होगा बाबू? प्रमेय 10.9 से समीकरण दो, बोलो याद है, कोई दिक्कत है? ये वाला कोण इसको बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और बताओ हमको, देखो देखो तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? सम्मुख कोण है कि नहीं? ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, सम्मुख कोण आपस में क्या होती है? हमें हमेशा बराबर होती है, ठीक है। ये कोण इसको देख रहा है, ये कोण इसको देख रहा है, मतलब दोनों कोण क्या होगा आपस में? बराबर होगा। मतलब यहाँ लिखेंगे क्या? ए बी पी, क्या लिख देंगे? एंगल ए बी पी बराबर क्यू बी, क्यू बी डी, ये हो जाएगा सम्मुख कोण, समीकरण नंबर 3। देखो ध्यान से 1, 2 और 3 को देखो, ए सी पी बराबर किसके क्या है? ए बी पी है, और क्यू सी डी किसके बराबर? क्यू बी डी के बराबर। इधर देखो, इधर आपस में यहाँ पर बराबर है, देखो मतलब समीकरण 1, 2, 3 से ये दोनों बराबर, और दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, और ये दोनों पहले से बराबर। देखो यहाँ पर दिखाओ, यहाँ लिख देंगे क्या? समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा? ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब ए सी पी बराबर ए बी ने क्यू सी डी होगा। क्या लिख देंगे? हैंस प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? है ना, इतना आसान था।